हेलो दोस्तों, वेलकम टू MotoMahal यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कस्टमाइज होंडा नवी, जिसको पूरी तरह से एक KTM ड्यूक के जैसे मॉडिफाई किया गया है, कस्टमाइज़ किया गया है। और सीरियसली आप लोग देखना, आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक होंडा नवी है। और क्योंकि इसका जो लुक आ रहा है वो बिल्कुल चेंज हो गया, अब देखने में लगता है कि एज KTM ड्यूक है। और मैंने उसका नाम रखा है होंडा नवी ड्यूक, मैंने ये नाम रखा है। आप लोग इस कस्टमाइजेशन का क्या नाम रखेंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस बार मैं एक लाइक, छोटा सा लाइक का एम रख रहा हूँ कि आप लोग कितना लाइक कर सकते हैं। तो मैंने एम रखा है अराउंड 300 लाइक्स का। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा एम है, 300 लाइक तो बहुत ही कम है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को 300 लाइक्स अबाउट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग कर देंगे तो मैं आप सब लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और भी वीडियोस आप लोग जरूर दिखाऊंगा। सो अभी आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा दिखाता हूँ वो होंडा नवी ड्यूक, या बोल सकते हैं होंडा नवी जिसमें मॉडिफाई किया है KTM ड्यूक के स्टाइल में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, ये है एक मॉडिफाइड या कस्टमाइज होंडा नवी, जिसको यहाँ पे एक KTM ड्यूक के स्टाइल में मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि आप लोग इसका लुक देख पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत लग रही है ये होंडा नवी, और बहुत ही हटके लग रही है। क्योंकि यूजुअली अगर आप होंडा नवी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगती है, पर यहाँ पे ये जो कस्टमाइजेशन किया गया है उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है। अगर हम बात करें चेंजेस के बारे में, जैसे मैंने बताया कि ये जो इस कस्टमाइजेशन का जो मेन इंस्पिरेशन है वो KTM ड्यूक से लिया गया है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे जगह पर वाइट एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, जैसे कि आपको KTM की ड्यूक में भी देखने मिलता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा। इस होंडा नवी को देखने के बाद मतलब क्या बोलूँ, पूरी तरह से लगता है कि ये KTM ड्यूक की ही बाइक है। क्योंकि अगर आप बात करोगे इसके साइड प्रोफाइल की, अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में भी आपको सेम टू सेम उस तरह डिज़ाइन देखने मिलेगा। इस होंडा नवी में जो हैंडल बार है वो यहाँ पर कस्टमाइज़ किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार है। अगर आप जो नॉर्मल वाली अगर होंडा नवी देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा छोटा हैंडल बार देखने मिलता है, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हैंडल बार देखने मिल रहा है। अभी आप लोग इसका साइड प्रोफाइल देखिए, अगर पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोफाइल से देखने में पता चलता है कि किस तरीके से ये सेम टू सेम KTM की ही लग रही है। क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिम्स देखेंगे वो भी यहाँ पे ऑरेंज कलर प्रिंटेड है। इवन इसके जो टायर्स यहाँ पे यूज़ किए गए वो नॉर्मल टायर्स हट के काफ़ी ज़्यादा मोटे जो ऑफ रोडिंग वाले टायर्स होते हैं उस तरह का टायर्स यहाँ पे यूज़ किया गया है। इवन इसका जो सस्पेंशन देखिए, इवन मडगार्ड के ऊपर जो स्टिकरिंग की गई वो भी बहुत ही खूबसूरत से करी गई है। इसका रिम का आप लोग कलर देखिए, वो भी पूरे तरह से ऑरेंज है। और ये इसका टायर का आप लोग देखिए किस तरह से दिख रहा है। फ्रंट पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा बल्की लग रही है गाड़ी। इवन साइड प्रोफाइल से भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हट की ये लग रही है। क्योंकि अगर आप इसका ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्रैश गार्ड भी ऑरेंज कलर का है, और इवन पीछे का सैडल स्टे भी यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिया गया है। ये अभी आप लोग इसका बेसिकली इसका हैंडल बार देखे थे, कितना ज़्यादा वाइड हैंडल बार है, मतलब आपको राइड करते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल चार्जर भी दिया है। इवन इसका जो नकल गार्ड देखिए वो भी आपको KTM ड्यूक के जैसे ही वाइट कलर में प्रिंटेड है। हालांकि ये KTM ड्यूक वाले यहाँ पे नकल गार्ड नहीं है, ये बाहरी आफ्टर मार्केट के हैं, लेकिन अगर आप लुक देखेंगे तो आपको सेम टू सेम उसी तरह का ही लगेगा। और इस नकल गार्ड्स में आपको LED इंडिकेटर्स भी देखने मिलते हैं। इस जो हैंडल बार में देखिए आपको स्पेशलिटी एक साइड मिरर्स भी देखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो भी एक आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है, मार्केट से परचेस किया हुआ है, लेकिन दिखने में इसका लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस करा है। मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये होंडा नवी एज अ KTM ड्यूक के स्टाइल में। फ्रंट पोर्शन में काफ़ी इतना ही कुछ चेंजेस है, क्योंकि जो इसका हेडलाइट पोर्शन देखिए, हेडलाइट पोर्शन के ऊपर वाला फ्लैश स्क्रीन देखिए, वो भी यहाँ पर ऑरेंज कलर का पेंटेड किया गया है। अब आते हैं इसके लोअर सेक्शन में, तो यहाँ पे आप लोग इसका देखिए जो क्रैश गार्ड बनाई गई, एक कस्टमाइज क्रैश गार्ड है, वो भी यहाँ पे ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है, जो कि आपको KTM के जितने भी बाइक से उसमें देखने मिलता है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ का इसका क्रैश गार्ड थोड़ा झुका हुआ है। जी हाँ, वो झुका इसलिए क्योंकि वहाँ की एक नट निकल गई थी, इसलिए वो झुका हुआ है। और आप लोग देख भी रहोगे, मैं इसको कोशिश करता कि फिक्स कर दूँ पर फिक्स नहीं हो पाया। अगर आप इसका नीचे का बैश प्लेट देखें तो वो भी यहाँ पर वाइट कलर से पेंटेड है, मतलब आपको इसमें बैश प्लेट भी मिलता है, साथ ही साथ इंजन गार्ड भी देखने मिलता है। तो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ से भी अच्छा है, और आपके जो होंडा नवी का जो लुक आ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ एनहांस हो रहा है। सीट में यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं की, यहाँ पे स्टॉक एज इट इज सीट्स रखी गई है, लेकिन यहाँ पे आप टॉप रख देख सकते हैं, साइड माउंटिंग वाला देख सकते हैं, पूरी तरह से ये भी ऑरेंज कलर का ही है। इवन लगता है ये टेरल्स फ्लेप जो आपका KTM का जो पीछे वाला पोर्शन आता है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसी तरह का यहाँ पे आपको सेम टू सेम वही प्रिंट देखने मिल रहा होगा। इवन इसका टॉप रख देखिए, टॉप रख यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह बांध सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर भी दिया है, अगर आप राइड्स वगैरह भी जाते हैं तो आप
प्रॉपरली अपना यहाँ पर बोतल वगैरह सब कुछ कैरी कर सकते हैं। इस होंडा नेवी में आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्सेसरीज भी लगाए हैं, जैसे कि क्रैश गार्ड ये लगाया हुआ है और यहाँ पे कस्टमाइज एग्जॉस्ट भी लगाया है। जी हाँ, अगर आप होंडा नेवी का एग्जॉस्ट देखेंगे तो वो उतना छोटा सा एग्जॉस्ट है, पर यहाँ पे इसमें एग्जॉस्ट भी चेंज किया गया जो कि आप लोग देख पा रहेंगे। ये आप लोग पीछे के रियर का टायर साइज देख लीजिए, 80/100 का टायर है, और ये आप लोग जो एग्जॉस्ट है ये भी यहाँ पे कस्टमाइज एग्जॉस्ट लगाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है। मुझे डेफिनेटली पता है इसका साउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो ओवरऑल अगर आप मॉडिफिकेशन देखें तो आपको डेफिनेटली लग रहा होगा ये KTM की ही एक होंडा नेवी, और मैंने इसका नाम जो दिया है होंडा नेवी ड्यूक करके दिया है। तो आप लोग का क्या, आप लोग इस मॉडिफिकेशन का क्या नाम देंगे, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि कैसे आप लोग, आप सभी लोग को इस तरह के बाइक्स एंड कार के मॉडिफिकेशन वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ एक बार मेरा चैनल विजिट करिए। अगर पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की ये भी एक कस्टमाइज होंडा नेवी आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये जैसे एक छोटा सा डेमो था आप सभी को दिखाने की होंडा नेवी को अगर कस्टमाइज़ करेंगे तो किस तरह का लुक आ सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इस होंडा नेवी जो कि मॉडिफाई किया गया एज अ KTM ड्यूक के स्टाइल में आप सभी लोगों को पसंद आ रहा। और ये यदि गाइस आप सभी को ये लुक पसंद आया तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो एम रखा है वो 300 लाइक्स रखा है। और आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं आपको इसी तरीके से और भी मॉडिफिकेशन वीडियोज़ दिखाते रहता हूँ। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आता तो प्लीज़ डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से आप लोग को प्लीज़ एक ऑप्शन जरूर करेगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसे लग रही है आपको ये कस्टमाइज होंडा नेवी एज KTM ड्यूक के स्टाइल में। और आपके अगर चॉइस है कि बाइक मॉडिफिकेशन तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।